हेलो गैस, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज़ शुभम सिंह और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप डिजी लॉकर में जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर कैसे हम देखेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, कोई बच्चे अगर देख नहीं पा रहे हैं और सर्टिफिकेट या अपनी मार्कशीट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास आधार कार्ड जो है उसमें जो उनका नंबर लिंक है, या तो फिर उनके पास मोबाइल नहीं है या खो गया है, तो बहुत सारे बच्चों को ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, आप प्ले स्टोर पर जाकर डिजी लॉकर टाइप करिए और वहाँ पर आपको ये पर्पल कलर का जो आइकन है ये डिजी लॉकर आपको दिखाई देगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी ही इंस्टॉल कर रखा है। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आता है साइन इन, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो साइन अप का ऑप्शन आता है, तो आप साइन अप कर लीजिए। फर्स्ट टाइम अगर आप इस पर जा रहे हैं तो आप साइन अप कर लीजिए। जब आप साइन अप करेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जब आप साइन अप यहाँ पर करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर या आधार कार्ड आधार नंबर पूछेगा, और उसके बाद जैसे आप करेंगे तो OTP आएगा मोबाइल का। अगर आप मोबाइल नंबर सपोज़ अगर आप मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करते हैं तो आपको उसका OTP आएगा मोबाइल का। उसके बाद आपका आधार नंबर डालना होगा, देन आधार में जो आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा उसका OTP आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मैंने ऑलरेडी ही इसको साइनअप कर चुका हूँ, तो मैं साइन इन करता हूँ और साइन इन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ पर एक OTP आएगा। और साइन अप करते समय आपको सिक्योरिटी पिन पूछेगा कि आपको सिक्योरिटी पिन आपको जनरेट करना पड़ेगा, तो मैं सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डाल देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर इशूड डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, 4 इशूड डॉक्यूमेंट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आधार कार्ड मैंने लिंक कर रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और ये CTET का जो सर्टिफिकेट है और जो CTET की जो मार्कशीट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे सर्टिफिकेट है CTET का, ये आपको दिखेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मान लीजिए आपका जो आधार नंबर है वो आपके पास अभी नहीं है, तो आप जाकर जहाँ पर भी करेक्शन हो रहे हो आधार कार्ड का, आप वहाँ से नंबर चेंज करा सकते हैं, क्योंकि बिना आधार कार्ड के आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है या समझ नहीं आता है या जिनका भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें।